नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अमिठी ब्लॉग और मैं हूं अंकुर तिवारी। दोस्तों आज हम आपको बता रहे हैं कि एक बिजनेस के बारे में। लॉकडाउन के बाद में बेरोजगारी की समस्या जो है निरंतर बढ़ गई है और हर आदमी जो है, हर युवा जो है बेरोजगार हो चुका है। लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे गिने चुने हैं जो गाँव से ही स्टार्ट किए जा सकते हैं और बहुत ही कम पूंजी में स्टार्ट किए जा सकते हैं, जिनमें से आज मैं सर्च कर करके लाया हूँ। देखिये बहुत ही अच्छा बिजनेस है ये, और ये है चूड़ियों का बिजनेस। तो हमारे साथ जो है ये जो ये बिजनेस को कर रहे हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम इनसे बात करेंगे। तो भाई साहब ये कितने में आपको पड़ता है और इससे कितना आप दिन भर में कमा लेते हैं, कुछ आप बताइएगा। बस यही हो जाता है, 300 रुपए का काम। बहुत अच्छा, 300 रुपए कमा लेते हैं। अच्छा, महीने का लगभग 9,000-10,000 बन जाता है। तो ये चूड़ियाँ आप कहाँ से खरीदते हैं? चूड़ियाँ जगदीशपुर। ये चूड़ियाँ आप कहाँ से लाते हैं? जगदीशपुर। अच्छा, लोकल मार्केट में मिल जाती है। तो कैसे पड़ता है कि कैसे खरीदी जाती है? यही पड़ता 15 रुपए दर्जन। 15 रुपए दर्जन में और 20 रुपए पर दर्जन के हिसाब से जो है इसको आप खरीदते हैं और 5 रुपए प्रॉफिट जो है आप लेते हैं। तो अब एक दिन में लगभग कितने दर्जन के आसपास बिक जाता है? ये कितना बिक जाता है लगभग, आपका कितना प्रॉफिट हो जाता है? बताया तो 250 रुपए हो जाता। अच्छा, तो बिजनेस में बढ़िया है, बढ़िया मतलब कि चल जाता है काम ना सब कुछ। ये अपना घर का खर्चा चल जाता है और क्या है। तो दोस्तों अगर आप भी बेरोजगार हैं तो ये काम कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा मस्त काम है। तो आप जो है कम पूंजी में, अच्छा कितने कम पूंजी में किसी से शुरुआत हो सकती है इसकी? कम पूंजी कम से 25-30 हजार से तो कम होने लगता है। क्या होता है? साउंड पाउंड ये सब कुछ रखा है। अच्छा, साउंड का भी पैसा जोड़ लियो। देखिये भाई साहब जो है साउंड भी लगाए है और ये एक बार गाना बजाओ भाई। अभी देख ये देखिए, ये भाई ओके, आप भी इसको कर सकते हैं, इसे ठेला लेके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।